أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم سلام. السلام ورحمة الله وبركاته मैं म्यूट ميوتك. म्यूट कर देती हूँ मैं सबको so uh, last time alhamdulillah we finished up to ayah number 50 of surah ma'ida last uh, thursday go. so aj inshallah we'll start with ayah number 51 of surah Ma'idah. i was shaitani rajeen riswul allahi rahmanir Rahim, ya yuha ladeena ananu latak tajuzul yahudah wan naswara auliya ba'adu wa aulia uba' ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين واذكري ايه يا ايها الذين امنوا او يو دوز Who believe आप लोग को तो ऐसा होना चाहिए कि जब कहीं भी हो रहा हो आप लोग बस उसी वक्त साथ साथ ट्रांसलेशन करते जाएं जब तरावी में खड़े होते हैं ना तो ऐसे ही लगता है कि वो बोलते जा रहे हैं और हम ट्रांसलेशन करते जा रहे हैं इंशाल्लाह आप लोग की भी यही आदत हो जाएगी लेकिन मेरी एक और भी बुरी आदत हो गई है ना हर जगह साथ साथ ग्रामर को भी डाल रही होती हो वो बहुत खराब है उसको हटाना है तो या यो है लजीना आमन बिलीव ए लोगो जो ईमान लाए हो ला तु डू नॉट तु देखे हरफन नहीं आए ला तखिजम आ गया ना। जब जब एक आता है एक आता है कि अमर आता है एक नहीं आता ये दोनों चीजें ऑब्लिगेटरी हैं एक होता है कि ये करो और एक होता है कि ना करो अल्लाह कहते हैं ना करो ना करो क्या चीज डू नॉट टेक इतखा या इसके रूट लेटर्स के हैं हमजा खाल इत यजु इतखाजुन

और ईसाइयों को औलिया औलिया हम कई दफा पढ़ चुके इट मींस एलाइज क्लोज फ्रेंड एंड सपोर्टर ठीक है ना बनाओ यहूदियों को और ईसाइयों को वली या मददगार या करीबी दोस्त मतलब के फ्रेंडशिप ठीक है सपोर्टर ना बनाओ उसको बाद हम औलिया उबाद सम ऑफ देम आर एलाइज ऑफ सम अदर्स उनके बाद के बाज़ बाज के दोस्त हैं यानी जो यहूदी और नसार है वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं व मै तो

यानी शर्त भी इसमें और जवाबु शर्त भी है मन जो है वो है वो शर्त और जवाबु शर्त है कि कि यानी वो भी समझ लें कि मुसलमान नहीं रहा यहूदी और ना हो गया सोचे जरा और जो वली बनाएगा उनको अब उर्दू में बता रही हूँ और जो कोई वली बनाएगा उनको आप में से तो बेशक वो उन ही में से है।

बहुत क्लियर कुरानिक डायरेक्टिव डायरेक्टिव है हमारी अलायंसेस के लिए हमारी किसी के साथ सपोर्ट के लिए किसी को अपना अपना इंटीमेट फ्रेंड क्लोज फ्रेंड बनाना किसी को सपोर्ट के लिए लेना किसी को एल बनाना किसी को वली बनाना उसके लिए बहुत क्लियर और हम कई दफा इसको पढ़ चुके हैं पहले भी अब यह है कि हमने इसको सीरियसली लेना अल्लाह तला बार बार रिपीट कर रहे हैं बार बार रिपीट कर रहे हैं उसका मतलब क्या है कि इट इज समथिंग सीरियस एंड वी हैव टू टेक हीड ऑफ इट अब इसमें होता है कि मुस्लिम हम लोग मैं और आप भी हैं काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास एक क्लियर विजन नहीं है कि ये हमारे फेथ का क्या इसमें हमारे फेथ का क्या विजन है हमें ये बताएं तो इस्लाम ये कहता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ हमने शुरू में भी पढ़ा था कि कि इस्लाम ये करता है कि हम अपने पास टॉलर हम अपने एटीट्यूड को टॉलरेंट रखें हम सब्र से काम लें हम स्टेट फास्टनेस से काम लें हम लोगों की चीजों को बर्दाश्त करना सीखें और लोगों के साथ वी ट्रीट काइंडनेस हम अपने एटीट्यूड को टॉलरेंट रखें और हम लोगों के साथ काइंडनेस करें उसका मतलब ये है कि जूस हो या नसारा हो जूस हो या क्रिश्चियंस हो जो भी हो वी we... We treat them with kindness. Kindness से treat करना खासकर उसमें हमने उस वक्त ये भी पढ़ा था कि जो खासकर अपने नेबर्स हैं नेबर्स का एक और ही हक हाँ होता है चाहे वो यहूदी हो चाहे सारा हो चाहे कोई भी हो तो ये हमें याद रखना है कि हमने उनसे लड़ना झगड़ना उनके साथ खामा खास से पंगा लेना जो कहते हैं ना वो नहीं करना है वी हैव टू बी टॉलरेंट एंड वी हैव टू ट्रीट दैम विद काइंडनेस लेकिन साथ साथ वी मस्ट अंडरस्टैंड के ये द नेचर ऑफ द एटीच्यूड एंड द बिहेवियर ऑफ दोस्त यानी अदर के जो लोग हैं उनका एटीट्यूड क्या होता है हम तो काइंडनेस भी करेंगे हम टोल भी रहेंगे लेकिन उनका एटीट्यूड उनका बिहेवियर यूजुअली क्या होता है कंसर्निंग इस्लाम एंड मुस्लिम्स हमें उसको भी अंडरस्टैंड करना है हमें ये नहीं भूलना है कि वो शुरू से और शुरू से कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं एंड दे विल कंटिन्यू टू बी के साथ वो लोग क्लोज फ्रेंडिया इस्लाम एंड मुस्लिम आप देख रहे हैं अपने सामने देख रहे हैं इस्लाम और मुस्लिम को कि वेट इज अगेंस्ट द मुस्लिम और अगेंस्ट इस्लाम द्वाइंट फोर्सेस ज्वाइंट फोर्सेज विद किसके साथ डिसबिलीवर्स भी आ जाते हैं सब आ जाते हैं तो इसीलिए अल्लाह तथा उनको अपना वली ना बनाए उनके साथ अलायंस ना रखें देखें और उनकी अलायंस जो है वो क्या है इट हैज नथिंग टू डू विद एनी पीरियड और एनी प्लेस आपको पता है कि हिस्ट्री में भी देव नेवर बीन अलाय विद द मुस्लिम कम्युनिटी कभी भी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे कि कभी भी उन्होंने मुसलमानों का साथ नहीं दिया है इन एनी लैंड और इन एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री तो ये पीरियड से भी डिपेंड नहीं कर रहा है प्लेस से भी डिपेंड नहीं कर रहा है एक जेनरेशन आई दूसरी जनरेशन गई और इसी तरह से वो लोग यही करते रहे अपनी जो स्टेटमेंट जो अल्लाह की है इस स्टेटमेंट को सब बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है और जो जो आती है जो जनरेशन नहीं आती वो भी उसी को फॉलो करती सालों साल से हजारों साल से ये बात चली आ रही है और हम अभी देख रहे हैं हमारे सामने हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ जो बिल्कुल बैठे में बेहिश वो एक और अजीब स्पीशी है ठीक है ना स्पीसी स्पीशीज है लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं सब मिल गए सब मिल गए इकट्ठे मुसलमानों के अगेंस्ट हम देख रहे हैं अपने सामने फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये स्कैरी है जिसको मैं कह रही हूँ कि ये एक शर्त है जो कोई पकड़ेगा उनको अपना दोस्त जो कोई उनको अपना एलाइस लेगा आप में से, मिन देन दीद, 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 भी पर है जवाब शर्त भी यहाँ पर है और ये बहुत स्कैरी है कि अगर हम जूज एंड क्रिस्स को अपने और अपने ले लेंगे तो वी विल बिकम अल्लाह मतलब हम जूस एंड क्रिश्चियंस बन नहीं जाएंगे हम बन नहीं जाएंगे एक्चुअली लेकिन अल्लाह ताला हमारे साथ वही अमल करेगा वही जजा देगा वही सजा देगा जो उनको देगा क्योंकि हम उनके उनको अपना सपोर्टर ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग अल्लाह एज आर सपोर्टर इट्स वेरी क्लियर फिर अल्लाह कह रहे हैं इन अल्लाह दिल कौमत जॉलिमीन के अल्लाह मेक्स इट क्लियर कि अगर हम ये करेंगे तो उसका मतलब ये हम जालिमीन में से होंगे वी वुड बी डूइंग इन जस्टिस हम अल्लाह को सपोर्टर लेने के बदले और किसी को एज सच क्या होगा हमें इसकी सजा क्या मिलेगी अल्लाह विल नॉट गाइड अस वी विल नॉट बी गाइडेड बहद मजमिन अगर हम जुल्म कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला पर क्या करेंगे हमें सीधे रास्ते पर कभी भी नहीं लाएंगे और ये क्या होगा ये आप समझ ली क्या है क्यों अल्लाह नहीं लाएंगे बिकॉज ये हमारी सज़ा होगी जब हम ऐसा काम करेंगे कि अल्लाह ताला हमें वार्न कर रहे हैं कि आप उनको अपने सपोर्टर्स मत लो और फिर भी हम उनको अपने सपोर्टर्स ले रहे हैं तो अल्लाह ताला क्या होगा वो हमें सजा मिलेगी कि अल्लाह ताला हमें कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं लाएगा ऑफ कोर्स अनलेस वी मेक तोबा का दरवाजा एंड तक खुला होता है उसको मत भूलें लेकिन जनरली अल्लाह तला नजबिल्ला हमें पनिश करेंगे अगर हम उनको सपोर्टर्स लेंगे फिर अल्लाह ताला 52 में क्या कह रहे हैं فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين فترى ف يعني ترى يعني يُو الذين those who في قلوبهم إِن in their hearts डिजीज सो यू सी देसन टू देम जिनके दिलों में डिजीज है मैं आगे बताती हूँ किस चीज की डिजीज लेकिन जिनके दिलों में कोई मर्ज है कोई डिजीज है आप उनको देखेंगे कि वो दौड़ते हैं वो दौड़ते हैं वो वो जल्दी करते हैं उनमें से फिहिम उनमें से जिनके दिलों में मर्ज है जो मरीज है वो 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 हेसन करते हैं यकूलूना वो क्या कहते हैं देख से यकूलूना दे से नखशा नखशा खशिया यक्षा खशियतुन यानी खशिन या रूट लेटर्स हैं खशिया यक्षा खशियतुन यकूलूना दे से नखशा। वी फियर वी फियर अंतुसी बना द इरा अंतुसी बना दैट वो कहते हैं कि हम डरते हैं कि पहुंचेगी कोई मुसीबत हमको गर्दिश की ये जो द एरा होता है ना गर्दिश मतलब ये दाल वारा है इसके रूट लेटर्स मतलब ये दिन जो हमारे कोई हम ऐसे मिस uh, फॉर्च्यून में आ जाएंगे

औ अमरिम मिन इंदही और अ डिसीजन और अ कमांड फ्रॉम हिम बस शायद अल्लाह ले आए फतहा या हुक्म अपने पास से फयस बेहु देन दे विल बिकम सब uh, स्वाद बाहा फयस बेहु देन दे विल बिकम अला मा

मुसलमानों को या अल्लाह ताला कोई ऐसी ऐसा कमांड ले आएगा जिसकी वजह से कोई फैसला हो जाएगा तो फिर वो जो ये कर रहे हैं अपने दिलों में छुपा के इन्होंने रखा हुआ है वो उसकी वजह से बहुत नादिम हो जाएंगे वो उर्दू में फिर बता देती हूँ फिर वो हो जाए मतलब वर्ड फॉरवर्ड फिर वो हो जाए उस पर हो जाएंगे उस पर जो उन्होंने छुपा रखा है अपने दिलों में नादिम या पशेमान या शर्मिंदा ठीक है मैं सीधा बोल देती हूँ फिर याद आता है कि वर्ड फॉरवर्ड है तो चले इसको देख लेते हैं कि अल्लाह ताला इसका मतलब क्या है अल्लाह ताला किसकी बात कर रहे हैं किसके दिलों में मर्ज है हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला जब इस की चीज़ की बात करते हैं तो अल्लाह ताला बात कर रहे होते हैं हिपोक्रेट्स की मुनाफिकों की क्योंकि मुनाफिक ऊपर से कुछ होता है और अंदर से कुछ होता है तो वो या क्या हम देखते हैं कि वो लोग ये यानी जब इस्लाम उस जमाने में एक बड़ी फोर्स बन गई थी आपको याद है मदीना आए मदीना में शुरू शुरू में आए इस्लामिक स्टेट बनना शुरू हुआ उसके बाद होते होते स्प्रेड होने लगा और इस्लामिक बहुत बड़ी जमात बन गई एक बहुत बड़ी फोर्स बन गई ठीक है तो ये उस वक्त की बात है लेकिन साथ-साथ जो फोर्सेस उनको इस्लाम को अपोज कर रही थी जो मुस्लिम्स को अपोज कर रही थी वो भी काफी पावरफुल हो गई थी मतलब वो भी पावरफुल थी पहले से ही तो वो पावरफुल है इस्लामिक मुस्लिम्स भी पावरफुल है तो अपेरेंटली जो जो हिप्पोक्रेट्स हैं वो क्या करें उन वो तो वैसे ही है एक तरफ ना दूसरी तरफ ना तीन में ना तेरह में तो वो क्या करें तो वो जो हिपोक्रेट्स हैं वो अपेरेंटली तो वो मुसलमान हो गए क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे इसमें इस वक्त फायदा है लेकिन उनको ये भी डर था नक्शा कहते हैं ना वो डरते थे कि को, हमें कोई ऐसी मिसफॉर्चून ना आ जाए यानी कि मुसलमान अगर हार जाएंगे और जूस और क्रिश्चन ऊपर से मुसलत हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे इसीलिए वो दोनों तरफ अपने पैर टू बोट्स में सेल करते थे दोनों तरफ अपने पैर लटका के रखते थे और वो ये कहते थे कि हम अपेरेंटली वो कहते थे हम मुसलमान हैं लेकिन वो अपनी रिलेशनशिप शिप एंड क्रिस्टन्स के साथ भी ऐसी रखते थे कि अगर कुछ हुआ इस्लाम अगर डिफीट हो गया मुसलमान अगर डिफीट हो गए तो उनको जूस और क्रिस्टियंस तंग ना करें उनको रेफ्यूज दें उनको प्रोटेक्शन दें ठीक है तो वो अपने मतलब के लिए और ये हमने काफी पहले पढ़ चुका है तो इसलिए इसको और डिटेल में मैंने काफ़ी डिटेल मैंने अभी भी कर दिया है लेकिन एक चीज़ अल्लाह ने ऐड किया कि दे अ डिजीज इन दर हार्ट और ये कौन सी डिजीज है ये डिजीज है डाउट की उनको शक होता था और हेजिटेशन की यानी हिचकिचाहट होती थी कि वो क्या करें उनको डाउट भी होता था उनको हिचकिचाट भी होती थी और सबसे बड़ी डिजीज जिसका नाम है निफाक हिपोक्रेसी इट इज द डिजीज ऑफ हिपोक्रेसी एक डिजीज है ना आप ऊपर से कुछ कह रहे हो अंदर से कुछ हो वो यही डरते थे कि ये जो फॉर्चून आएगी तो उनके ऊपर आएगी इसीलिए वो डिसबिलीवर्स के साथ इस डिजीज की वजह से वो घबराहट में रहते थे डर में रहते थे तो दोनों तरफ अपनी टांगे जमा के रखते थे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बट परहैप्स अल्लाह विल ब्रिंग विक्ट्री

ये you नहीं know, सिर्फ उनको ऐसे बोलने के लिए कि बट पर अल्लाह विल बिंग विक्ट्री यानी कि उनको वार्न किया गया है ये एक वार्निंग है उनके लिए कि बिलीवर्स या तो फिर विक्ट्री उनको मिलेगी मुसलमानों को या तो फिर विक्टोरियस हो जाएंगे यानी प्रॉबली इट इज रेफरिंग टू फतेह मक्का क्योंकि उसके बाद ही फतेह मक्का हुई तो फतेह मक्का की के लिए वो रेफर मतलब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कोई विक्ट्री आ जाएगी फतेह मक्का आ जाएगी और Allah's command will be accomplished. जो भी command Allah का होगा वो एकम्पलिश हो जाएगा और जब वो हो जाएगा तो अल्लाह यही कह रहे हैं उस वक्त हैं, वो बहुत शर्मिंदा होंगे अपनी हिपोक्रेसी के ऊपर बहुत सिंपल सी बात है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन वर्ड नहीं है बकूल अब किसके बारे में बात ही यकुलुल् लजीना आमनो और कहेंगे कौन लोग एंड विल से 200 बिलीव व यकुलु एंड विल से अल लजीना दोस हु आमनो दोस बिलीव एंड विल से दोस बिलीव और कहेंगे वो लोग जो ईमान लाए वो क्या कहेंगे वो कहेंगे अहव उलल लजीना अक्समु बिललाह जदाईमानम आर दिस हा उलए आर दिस अल दोस हु अक्समु हु यूज्ड

जिन्होंने कस्में खाई अल्लाह की अपनी कस्मों को पक्का करके कि बेशक ये, ये वो यकीनन आपके साथ है तो ये अगेन uh, रिपीट करती हूँ मैंने जल्दी में पढ़ दिया इंग्लिश का आर दोज नहीं सॉरी आर डीज दोस्ट ऑफ देयर ओथ्स

द अल्टीमेट अमाल, 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 पस वो, हो बहु पस वो, हो वो बन गए खास तरीन खसारा पाने वाले यानी क्यों वो हो गए आगे हम देखते हैं क्यों वो हो गए अल्लाह तला बता रहे हमें रिएक्शन ऑफ द बिलीवर्स क्या है उनका क्या रिएक्शन हुआ और क्या होगा अल्लाह ताला को तो मालूम है ना आगे क्या कि वो परेशान हो रहे हैं हैरान हो रहे हैं देख रहे हैं कि वो हिपोक्रेट्स जो के कसम खाते थे अल्लाह की कि वो बिलीवर्स के साथ हैं वो वो बिलीवर्स हैं बिलीवर्स के साथ नहीं वो बिलीवर्स हैं क्योंकि वो ये तो पोस्ट करते थे ना कि हम मुसलमान हैं और वो क्लेम कैसे करते थे टू फॉलो इस्लाम बाय परफॉर्मिंग प्रेयर्स नमाज भी पढ़ते थे ऑब्जर्विंग फास्ट रोजे भी रखते थे पेंग जक़त जक़त भी देते थे अब जिस बंदे को आप देख रहे हैं कि वो हमारी महफिलों में है हमारे साथ हैं नमाज भी पढ़ याद है पहले हमने पढ़ा था कि वो नमाज़ पढ़ने के लिए और जल्दी, जल्दी जल्दी जाते थे और जल्दी जल्दी मस्जिद की रफ्त क्यों जाते थे ताकि लोग को पता ना चल जाए कि वैसे वो कुछ आला उनको मतलब लेजीनेस होती थी लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए वो जल्दी जाते थे ताकि लोगों को पता चले हम नमाज पढ़ लें तो नमाज भी दिखावेगा नो रोज़ा भी दिखावेगा जक़ात भी दिखावेगी लेकिन इतना कुछ उन्होंने किया लेकिन उस सब का क्या होगा अल्लाह ताला इसीलिए तीलिए हबरा उनके जो तमाम रोज़ा जक़ात और फास्टिंग सॉरी नमाज रोज़ा जकवात सब कुछ उनका इट विल बी टू नथिंग तमाम का तमाम जाया हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा बल्कि खत्म हो गया हब यानी ख़त्म हो गया हबिता या हाँ तो हबःतात तो का मतलब है पास में है बिकॉज दे हैड नॉट डिवोटेड टू द सर्विस ऑफ अल्लाह अलोन वो लोग अल्लाह के लिए नहीं कर रहे थे उन्होंने अपने सोल्स को अपने आप को अपनी अपनी नफ्स को दो में स्प्लिट कर लिया था दो में स्प्लिट कर लिया था एक पार्ट ऑफ द सोल जो है वो अल्लाह को दे रहे थे क्योंकि साथ साथ वो अल्लाह से भी घबरा रहे थे डर रहे थे उन्हें पता था कि ये सब सच है, लेकिन वो हिचकिरा रहे थे हिचकिचाते थे और दूसरा पार्ट जो है उनके सोल का उनकी नफ्स का उनकी जात का वो किसके साइड पे था रिबेलियन अगेंस्ट अल्लाह रिपेलियन अगेंस्ट अल्लाह याद रखें और इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं कि उनके तमाम अमाल जो है वो ज़ाया हो गए ऑलरेडी और वो किस में से होंगे वो खासरीन वो जब उठेंगे वो क्या बन गए हैं वो खासरीन में से बन गए बन जाएंगे फासबाहन बन गए फिर है आया नंबर फिफ्टी फोर या अयोजीना آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم قوم يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم एक स्कैरी आयत आती है फिर एक अच्छी आयत आती है अच्छी आती है समय लेकिन मतलब इसमें थोड़ी इनकरेजमेंट हो जाती है या अयो लजीना आमनु ओ यू दो बिलीव ए लोगो जो ईमान लाए हो, और फिर अब ये दोबारा एक एक बहुत ही आयत है ठीक है ना उस, उसमें बिलीवर्स के लिए कोई वो नहीं था उसमें मुनाफिकों के लिए था और अब क्या आ रहा है अब लोगों के वो लोग जो बिलीवर्स हैं दो सो बिलीव मई मई दिन कुम मन अगेन इसमें शर्त आ गया है कि जो हुवर यर तद दिन कुम हु आप पढ़ चुके हैं फिर भी रिपीट करती हूँ उसके रूट लेटर्स हैं दाल दाल यानी जो रद्द करना ठीक है ना इर्दु इन इर्द फॉर्म कौन सा एट कि आप में से ओ यू दो सो बिली हुआ टर्न्स बैक जो रद कर दे जो जो लौट जाए अमंग के बदले आप समझ लें कि जो लौट जाए हु क्योंकि रद्द करना डिफरेंट है और, और इर्तदा का मतलब है टू लौ, जो लौट जाना ठीक है ना वापस हो जाना मई अरतुम अन दिन ही यानी हु एवर टर्न्स बैक अमंग यू फ्रॉम हिज रिलीजन किसके बारे में बात हो रही है मीनिंग एपोस्टेट से ही का लफ्ज है उर्दू में जो लफ्स है में जो लफ्ज़ है वो मुर्तद है ठीक है तो वो मुर्तद यानी जो अपने दीन से फिर जाए जो टर्न बैक कर ले जो लौट जाए जो वापस हो जाए उस दिन की तरफ जो उसका नहीं था अगर आप में से तो हु टर्न बैक मुंह मोड़ ले मुंह फेर ले वापस हो जाए चला जाए और किस चीज से अपने दीन से मतलब वो मुसलमान था और मुसलमान हो के वो वापस दूसरे किसी में चला गया किसी और दिन में जो एपोस्टसी कहलाती है यानी उनके साथ क्या है ऐ लोगों जो ईमान लाए हो उर्दू में भी बता दूं जो फिर जाए तुम में से अपने दीन से यानी जो मर्तद हो जाए उसके लिए जवाब क्या है फसो ब्रिंग अल्लाह यानी अल्लाह तो ले आएगा अल्लाह अल्लाह ले आएगा अबिन People, उन लोगों को, ऐसे लोगों को ले आएगा लव बा है हु, ही लवस, दे बहुत प्यारी बात है ये हमारे लिए बहुत ही प्यारी बात है कि ऐसे लोग हम हैं है तो डरावनी बात कि जो जो मर्तद हो जाए उनके लिए कि उनको हटा दिया जाएगा लेकिन कौन आएगा उनके बदले उन मुरतद जो लोग हैं उनके बदले कौन आएगा अल्लाह विल ब्रिंग अ पीपल अल्लाह करे हम उन लोगों में से हों कि जो कि जिनसे अल्लाह ताला ते कौन है जो कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा यहब्ब अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा वह यहब्बो ना हो और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे ऐसी खूबसूरत बात तो ले आएगा अल्लाह लोगों को वो जिनसे मोहब्बत करेगा और वो जो उससे मोहब्बत करेंगे उसकी फिर क्वालिटीज है अजिलतिन अलमिनतिन अल काफरीन अजिल्ला जाल लाम लाम हम्बल होना हम्बल होना तो यानी कि जो कि ह्यूमिलिये जिसमें ह्यूमिलिटी हो तो ह्यूमिलियशन ह्यूमिलिटी अजिल्लिन हम्बल हु विल बी हम्बल अलमिन टूवर्ड्स द बिलीवर्स

हा दाल जाहदा युजाहिदु मुजाहदतुन जाहदा युजाहिदु मुजाहदतुन भी और जिहादुन भी है जिहादन इसका कौन सा फॉर्म है थ्री फा अला वाला यु ना स्ट्राइविंग फी सबीलिल्लाह इन द पाथ ऑफ अल्लाह वला यखाफूना एंड नॉट फियरिंग लौमतलाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लौमतलाइम लौमा का मतलब है ब्लेम यानी कोई 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 ब्लेम करे कोई क्रिट, क्रिटिसाइज करे कोई आप इल्जाम लगाए ला इम यानी क्रिटिक यानी इल्जाम लगाने वाला द वन हु ब्लेम्स तो स्ट्राइविंग दे विल बी स्ट्राइविंग इन द पाथ ऑफ अल्लाह एंड दे विल नॉट फियर द ब्लेम ऑफ एनी क्रिटिक उर्दू में क्या कहेंगे वो जिहाद करेंगे अल्लाह की राह में और वो नहीं डरेंगे मुलामत था करने वाले से वो नहीं डरेंगे मुलामत से पहले लौमा यानी मुलामत से मुलामत करने वाले की यानी जब कोई क्रिटिसाइज करेगा उससे उस मुलामत से वो नहीं डरेंगे दोबारा वो जिहाद करेंगे अल्लाह की राह में और नहीं वो डरेंगे मुलामत करने से मुलामत करने वाले की मुलामत से ठीक है जालिक फजलुल्लाह युतीही मन यशा जालिक दैट इज फजल ये फजल अल्लाह का है देखिए यहाँ उजाल है दैट होता है लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसका जब उर्दू में हम कहते हैं वो अल्लाह का फजल है कहने के बदले हम कहेंगे ये अल्लाह का फजल है ये फजल है अल्लाह का वो देता है जिसको वो चाहता है

अल्लाह की नजर में अल्लाह के साइट में वो क्या है ही हैज नो पोजिशन विद अल्लाह ही हैज नथिंग टू डू विद अल्लाह मर्सी अगर वो अल्लाह के फेथ से टर्न अवे हो जाते हैं तो वो उसके बदले में अल्लाह ताला तह रहे जाओ कोई बात नहीं तुम लोग चले जाओ मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है एंड अल्लाह विल ब्रिंग फोर्थ अदर्स उसके बदले एक और कौम ले आएगा जो उनकी जगह ले लेगा और जैसे अभी हमने पढ़ा थोड़ी तफसीर कर लेते हैं कि उस कौम की मेन फीचर्स क्या होंगी उन लोगों की मेन फीचर्स क्या होंगी यानी कि वो परफेक्ट बिलीवर्स होंगे उनके जो क्वालिटीज होंगे उनके जो कररेक्टरिस्टिक्स होंगे वो एक परफेक्ट बिलीवर के होंगे अल्लाह ताला हमें भी वो क्वालिटीज़ दें और अल्लाह ताला हमें भी ट्रू बिलीवर्स बनाए ये क्वालिटीज़ जो है ये अल्लाह ताला ने जिस तरह से डिस्क्राइब किए हैं ये बहुत खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब किए हैं बहुत प्लेजेंट तरीके से और रीअश्योरिंग के मतलब ये जब अल्लाह ताला अश्योरेंस दे रहा है हम लोगों को कि अगर हम हमारी ये खसूसियातें हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी ये सिफात हैं तो फिर हम ट्रू बिलीवर्स में से हैं और फिर अल्लाह कह रहे हैं यू हिब्ब हूँ व यु हिब्बू ना हो ही विल लव दब सबसे पहला आप देखें कि वो अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे हम उनसे नहीं नहीं हम अपने ऊपर ही अप्लाई कर लेते हैं कि अल्लाह हमसे अल्लाह ने तो हम कह लेकिन हम इसको अपने लिए यूज़ कर लेते हैं कि हमारी रिलेशनशिप हमारे रब के साथ कैसी होगी कि हमारा रब हमको चाहेगा और हम अपने रब को चाहेंगे ये एक म्यूचुअल म्यूचुअल लव है और ये देखें कैसी मतलब रिमार्केबल लव है दोनों साइड से अक्सर ये होता है एक तरफ से मोहब्बत होती है दूसरी तरफ से नहीं होती एक तरफ से होती है दूसरी तरफ से नहीं होती है तो ये म्यूचुअल लव से क्या होता है जब दो बंदे भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अच्छी ठीक ठाक ट्रू ट्रू लव करते हैं तो वो एक दूसरे के लिए ताकत बन जाते हैं एक दूसरे के लिए, लिए कुत बन जाते हैं और जब आपका लव अल्लाह के साथ है और अल्लाह का लव आपके साथ है तो ये एक बिलीवर के लिए क्या है उसको हर काम उसके लिए आसान हो जाती उसको एक कुवत मिल जाती एक ताकत मिल जाती एक स्ट्रेंथ मिल जाती है एक पावर मिल जाता है जिससे वो अपने हर मुश्किल काम को आसानी से कर लेता है आप यकीन करें ये इतना सही है इतना सही है कितने लोगों को मैंने सुना है जो कहते हैं कि मेरा मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बस मैं अल्लाह से ही मांगती हूँ या अल्लाह से ही मांगता हूँ और मेरा उनके जो लोग मुझसे बात करते हैं वो बताते हैं मैं देखती हूँ कि अल्लाह तला ने उनको बहुत स्ट्रेंथ दे दी है तो ही फील्स या शी फील्स कि ये एक ग्रेट ऑनर है जो कि अल्लाह ने मेरे ऊपर डाला है क्योंकि मुझे अल्लाह ने चूज किया है अल्लाह ने उन लोगों को हट देखे ये चोजन पीपल है ना ये ऐसे ही तो नहीं आ गए अल्लाह कह रहे हैं खुद ही कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को जो मुरतद हो गए उनको हटा दूंगा वो वर्थलेस हो गए मैं उनके बदले ये लोग लाऊंगा तो जब अल्लाह ताला किसी के बदले कोई लोग लाते हैं अल्लाह ताला चूज करके लाते हैं। उनकी क्वालिटीज उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के उनको लाते हैं और इसकी वजह से उनके क्या होता है उन, वो ज्यादा ऑनर्ड फील करते हैं ज्यादा खुश होते हैं उनको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है जिसकी वजह से वो और कोशिश करता है कि अल्लाह के और करीब आता जाए और अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रजा हासिल करता जाए अब उसकी और क्या किया? कि ये तो अल्लाह से लव के साथ है लेकिन बिलीवर्स के साथ उसका जो अल्लाह के साथ है म्यूचुअल लव है दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन मोमिन के साथ उनका क्या है और काफीन के साथ उनका क्या रवैया है वो थी uh, ना e वो बिलीवर्स के साथ क्या है कि वो अल्लाह की कॉज में ही होते हैं और अल्लाह की सर्विस में होते हैं और इसकी वजह से वो बिलीवर्स के साथ क्या होते हैं हम्बल होते हैं वो बिल्कुल हम्बल होते हैं बहुत हम्बल होते हैं टूवर्ड्स द बिलीवर्स अज़िल्ला का मतलब है हम्बल होना देखिये जिल्लत का मतलब ये भी रसवाई और सब कुछ लेकिन यहाँ पर जो है अज, अजिल्ला ये अरबिक वर्ड जो है उसका मतलब ये है कि वो लोग दे आर हम्बल दे आर मॉडेस्ट दे आर हम्बल टूवर्ड्स द बिल्यू डाउन टू अर्थ होते हैं इसका मतलब क्या होता है हम्बल होने का क्या मतलब होता है मैं और आप कहेंगे मैं भी तो हम्बल हूं लेकिन इसका मतलब ये है दे ईजी गोइंग दे आर ईजी गोइंग दे आर जेंटल देर टॉलरेंट ये लोग बहुत मतलब नरम दिल के होते हैं ये लोग बर्दाश्त करने वाले होते हैं ये लोग जेंटल होते हैं काइंड होते हैं ईजी गोइंग इनसे जब कोई बात करो तो इंसान को कोई फील तो ये जब एक बिलीवर है जिसको अल्लाह ने ला के चूज कर रखा है तो वो यही कौम है और यही हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी यही खसूसियात आ जाए कि हम अपने जो मुसलमान बहन भाई हैं उनके साथ अपना एटीट्यूड ईजी गोइंग रखें जेंटल रखें टॉलरेंट रखें और दे डो नॉट एडोप्ट डिफिकल्ट एटीच्यूड और देख

या मैं किसी को करूं और किसी ने मुझे जवाब दिया तो मुझे लगा कि अल्लाह देखें कितनी जल्दी मुझे जवाब दे रहे हैं मुझे मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे सो कम्युनिकेशन विद देम बिकम्स वेरी इजी दे आर अप्रोचेबल रिस्पॉन्सिव है वो जवाब देते हैं फ्रेंडली है वो रिस्पेक्टफुल है वो आपकी बेजती नहीं करेंगे वो आपको इज्जत से आपकी बात करेंगे ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं फिर उसके बाद ये कि इसकी वजह से एक हमारी जो ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी होना चाहिए बिकॉज वो बिलीवर्स है अल्लाह ने कहा है कि ऑल बिलीवर्स आर ब्रदर

और वो एक दूसरे के लिए ग्रज भी नहीं रखेंगे एक दूसरे से उनको, they are actually, बस they are united by faith, आप समझ लेना, ठीक है? है ये सब चीजें हमको याद रखनी जब जब हम हम अपने believers के साथ जब हम अपना रखते रखते हैं, रखते हैं वो ये हो और दूसरा अल्लाह ताला बताने उन लोगों की बात है उन लोगों की जो चोजन पीपल है स्टर्न उनके सामने झुक भी नहीं जाते हैं उनके साथ ऐसा भी नहीं करते कि लड़ें भड़ें उनके साथ अपने रिस्पेक्ट रखते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं अपनी डिग्निटी रखते हैं अपना हाई स्टेटस रखते हैं और ये एटीच्यूड ये है कि इट इज दिस इज द एटीट्यूड कि किसी भी सिचुएशन में हम डिसबिलीवर्स के साथ रखें एट द सेम टाइम याद रखें कि जब हम अपने आप को मुसलमान हैं और वो गैर मुस्लिम है तो हमें एरोगेंस नहीं आ जाए हमें किबर नहीं आ जाए हम में कंसीट और प्राइड नहीं आ जाए ये बहुत बहुत याद रखना है क्योंकि ठीक है अल्लाह का शुक्र है अल्लाह तला की नज़र में हम उनसे बेहतर हैं हम बिलीवर्स हैं लेकिन हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हम एरोगेंट हो जाए उनके साथ एरोगेंस से पेश आए हमें वी आर प्राउड ऑफ आर फेथ हमने ये चूज हमने हमने जो चूज किया कि हम मुसलमान वी आर प्राउड ऑफ इट बट प्राउड और प्राइड में डिफरेंस है हमारी वो जो एक प्राइड है वो अपने और एरोगेंस में मेरा मतलब कि हमारी जो प्राइड है वो हमारी फेथ को चूज करने में हमारे अंदर है बट इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन अ बैड एटीट्यूड इट शुड नॉट बिकम इन बैड एटीट्यूड क्योंकि हम हम ऑनर हमारे ये ऑनर है कि हम डिसीवर्स के साथ हम 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 एक फेथ के एक बैनर के अंदर हैं और हमारा जो ट्रस्ट है वो होना चाहिए मतलब ये अब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जिनके बारे में अल्लाह ताला बोल रहे हैं लेकिन मैं अपने ऊपर अप्लाई करके मेरे और आपके ऊपर कि हमारा असल में तो उनका है लेकिन मैं यही बता रही हूँ कि हम भी यही चाहते हैं हम क्या लेसन से कि हमारी भी जो ट्रस्ट है वो अच्छाई में अनशेकेबल होनी चाहिए और हमारे पास ये सर्टन नॉलेज होना चाहिए हमें ये यकीन होना चाहिए कि हमारा जो रोल है वो क्या है टू सबमिट टू ट्रूथ एंड टू सबमिट टू गुडनेस फॉल्स चीजों पर नहीं सबमिट करना है इट इज नॉट अ सबमिशन ऑफ वन पर्सन टू अनदर वन ग्रुप ऑफ पीपल टू अनदर ग्रुप ऑफ पीपल ये बहुत क्लियरली होना चाहिए हमारे दिलों में इट इज अ मैटर ऑफ complete ट्रस्ट कि अल्लाह की पार्टी जो है वो जीत के रहेगी

एनी अदर इंटरेस्ट मेरे आपके तेरे मेरे रिश्तेदारों के दोस्तों के कंट्री के रेस के पीपल के और अपने लिए हम कुछ ना गेन करने की कोशिश करें एक्सेप्ट जिहाद अल्लाह के लिए उस दिन में खाले रुहिना ने लिखा था कि तो नफ्स जो है जो हमारा जो जिहाद है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है तो खैर उसको जिहाद बाज लोग कहते हैं कि वो कबीरा जहाद जिहाद है लेकिन वो डिबेटेबल है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी अपनी नफ्स को हमने ट्रेन करना है दैट इज ओके कबीरा है कि नहीं क्योंकि जो जो अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार कहा है कि जो जाते हैं जो माल और दौलत से और अपने जान से जो लड़ते हैं वो जिहाद असल जिहाद है। लेकिन ये जिहाद जो है ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को ठीक करें हम अपने ऊपर फोकस करें रूहीना ने बिल्कुल सही लिखा था करें और इसके लिए एक पूरा हमारी क्लास हुई थी पूरा सेशन, पूरा सीरीज हुआ था तो नफ्स का अगर आपको चाहिए किसी को तो फिर मैं आपको ये इस पर लिंक भेज दूंगी कि आप तो का वो जो है प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल वो आप सुने उसमें अपने आप को आप क्लैरिफाई कर रहे हैं अपने आप को क्लेंस कर रहे हैं क्लैरिफाई कर रहे, क्लेंस कर रहे, वला या खफोना लाऊं मतलाइम और फिर वो नहीं डरते हैं लाऊं मता ऑफ एनी क्रिटिसिज्म और एनी ब्लेम लाइम यानी क्रिटिक्स क्रिक, का किसी भी क्रिटिकल क्रिटिक, क्रिटिक क्रिटिसाइज करने वाले का ये डोंट केयर अबाउट पीपल तो हमें भी ऐसे ही होना चाहिए अगर हम सीधे रास्ते पे हैं हमारे पास सही नॉलेज है और हम कुरान और सुनना पर अमल कर रहे हैं तो फिर हमारा क्या है हमको ये नहीं डरना चाहिए कि कोई हमारे मुतल क्या कह रहा है कोई हमें ब्लेम कर रहा है कोई इल्जाम दे रहा है वी शुड नॉट केयर अबाउट द पीपल और एंड वी शुड नॉट थिंक और से एनी थिंग वो लोग जो भी बोल रहे हैं हमें क्यों डरना है हमें क्यों डरना है क्योंकि जो हमें ब्लेम कर रहे हैं वो खुद इंसान है वो खुद इंसान है लेकिन जो हमें गारंटी दे रहे हैं जो हमें अश्योरेंस दे रहे हैं वो कौन है वो रब है वो हमारा रब है जो हमें कहते हैं हम उससे मोहब्बत उस करेंगे वो हमसे मोहब्बत करेगा तो हमें औरों की ब्लेम और के और क्रिटिकल क्यों हमें परेशान होना है हमें बिल्कुल नहीं फिकर करना है हमें ये देखना है कि वो जो भी क्रिटिसाइज करें इफ वी आर ऑन द राइट 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 पाथ वी आर ऑन द पाथ टू स्ट्राइव टू मेक एफर्ट टू प्लीज अल्लाह देन दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर अस

लोग इस्लाम से निकल गए कोई बात नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा अल्लाह ने ऐसे लोगों को उस पर के रख दिया जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उनसे और ये फेवर जो अल्लाह उन पर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस लिए कि वो अलीम भी है और वो वैसे भी है वो सत वाल हिज परफेक्ट नॉलेज एंड हिज वैसे यानी अनलिमिटेड ग्रेस है उनकी अल्लाह को किसी के ऊपर फजल करने में कोई लिमिट्स नहीं है लिमिट है एक और आयत कर लेते हैं अभी टाइम नहीं अभी टाइम है कोई बात नहीं दो कर लेते हैं

वह Allah Allah रसूल अल्लाह इज अल्लाह एंड मैसेजर ये सिर्फ आपके वाली कौन है अल्लाह और उसका रसूल वल्ला जीना और वो लोग जो ईमान लाय हमारे कौन है हमारे अल्लाह का रसूल और मोमिन जो ईमान ये बहुत क्लियर है सिर्फ आपके वाली अल्लाह और उसका रसूल है और वो लोग जो ईमान ल और कौन है वो लोग अल्लाजीना यकीम सलाता वह यू तू न जकाता वुमरा दीज आर दो and they give zakat okay yukimu nasallata and they yutuna zakata aur woh zakat dete hain aur wahum rakiun rakiun ka matlab hai ruko karne wale ra kaf ain ruko karne wale and they bow down so those who establish the prayer and they give zakat and they bow down jo log कायम करते हैं नमाज को और वो देते हैं और वो रुकू करने वाले हैं है, प्लोरल है तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि आपका एहलाई कौन है आपका वली कौन है तीन एक तो बहुत क्लियरली बता दिया मेरे लिए और आपके लिए क्लियरली डिफाइन कर दिया कि हमारी जो बार बार अल्लाह तक देखिए ये एक एक आयत में नहीं है इट कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज अल्लाह ताला ने पहले कहा कि आप उनको ना बनाए अपने सपोर्टर्स ना बनाए उनका वाली, अपना वली और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं आप अपना वाली किसको बनाए अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जिनके साथ हमारी रिलेशनशिप या हमारी गार्डियनशिप या हमारी सपोर्ट का रिश्ता है उसके लिए तीन चीजें जरूरी है थ्री थिंग्स एक ये है कि अल्लाह यानी आर सबमिशन टू अल्लाह मस्ट बी कम्प्लीट पूरी तरह से हम सिर्फ अल्लाह और सिर्फ अल्लाह पे को सबमिट करें नंबर वन अल्लाह

और तीसरी चीज जो है लॉयल्टी एंड सपोर्ट कैन ओनली बी विद द कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स यानी सिर्फ मुसलमानों के साथ अब इसमें अंडरस्टैंड करना है हमें डिस्टिंक्शन बिटवीन द बिलीवर्स हु सबमिट टू अल्लाह अलोन और जो नहीं सबमिट करते अल्लाह को अलोन अब इसमें हम सब आ जाते हैं कभी हम अल्लाह पे पूरी तरह सबमिट कर रहे होते हैं हर बात अल्लाह की मान रहे होते हैं कुरान पे चल रहे होते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस पर अमल कर रहे होते हैं और कभी कभी हम ऐसे लोग कुछ लोग हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं मानते ठीक है वो कहते हैं हम हम मुसलमान हैं लेकिन वो बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करते हैं अल्लाह की सबमिशन को तो इस्लाम क्या है इस्लाम एक टाइटल नहीं है हम मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं बस हम मुसलमान हैं एक स्लोगन नहीं है कि भाई और ना तो कोई वर्बल क्लेम है ये तो एक चीज़ है एक और इसके अलावा कोई हेरिडिटरी रिलेशनशिप भी नहीं है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह 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 एवरी डे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए बहुत बहुत अल्लाह का एहसान है अगर हम नहीं होते मुसलमान घर में पैदा तो क्या होता हमें टाइम लगता हम शायद मुसलमान होते शायद नहीं होते तो ये है कि हेरिडिटरी रिलेशनशिप नहीं है अगर मैं नवजुबिल्ला कोई मुसलमान घर में पैदा वो मर्तद हो सकता है इसी तरह जो मुसलमान घर में नहीं पैदा हुआ वो मुसलमान हो सकता है और जब वो मुसलमान हो जाता है वो इतना लकी होता है उसके पिछले गुना भी माफ हो जाते हैं और वो हमसे बेहतर तौर पे इस्ला, इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो इट इज़ नॉट अ हेरिडिटी ये जो इस्लाम की सबमिशन है टू अल्लाह इट इज़ नॉट हेरिडिटरी रिलेशन और अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल जो कि सर्टेन एरिया में रहते हैं भाई हम मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं आप देखें शुरू में मेरे साथ क्या हुआ मैंने जब शुरू में यूनिसेफ ज्वाइन किया था पाकिस्तान में तो उस वक्त हमारी एक और प्रोग्राम ऑफिसर थी प्रोजेक्ट ऑफिसर उसका नाम था रीमा सलाह अब वो थी लेबनीज अब मेरे दिमाग में था कि रीमा सलाह शीज अ मुस्लिम पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में था बाद में मुझे पता चला कि वो मुसलमान नहीं थी क्यों नहीं थे मुसलमान क्योंकि वो थी, लेबन जउनी के लेबनान में सब मुसलमान हो मेरे दिमाग में था मुस्लिम कंट्री है सब मुसलमान होंगे तो जो ग्रुप ऑफ बिलीवर्स होते हैं वो हेरिडिट्री नहीं होते हैं वो किसी वर्ल्ड क्लेम से हम सब मुसलमान हैं उनका एक फेथ होना चाहिए उनका एक फेथ होना चाहिए दैट इज उनका ईमान उनका इस्लाम और उन इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो है उसको वो फॉलो करते हैं बस और फिर अल्लाह उसको फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं उस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो उनका बिलविड ग्रुप ऑफ बिलीवर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो अल्लाजीना प्रेयर्स यानी सिर्फ मेयरली ऑफर नहीं करते हैं। आके बस ठक ठुक ठक नमाज पढ़ ली ओ टाइम मिला जल्दी से आके ठीक से वुज़ू नहीं किया नमाज पढ़ ली दे दे डू नॉट मेरली ऑफर द प्रेयर्स दे एस्टैब्लिश दैट रेगुलर हैं अच्छी तरह पढ़ रहे हैं फुल अटेंशन के साथ पढ़ रहे हैं और जब अटेंशन के साथ पढ़ देखें ध्यान इधर-उधर जाएगा उसकी बात नहीं हो रही है लेकिन ये हो रहा है कि फुल अटेंशन से कोशिश कर रहे हैं पढ़ने के लिए वापस आते हैं उसी तरह अगर कहीं ध्यान चला भी जाए तो वापस ले आते हैं और उसकी वजह से उनकी जिंदगी पर उनके इफेक्ट्स नजर आने चाहिए नमाज पढ़ने वाले के इफेक्ट्स वो उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर उसका एक काला धब्बा होना चाहिए दिस इज नॉट द मीनिंग द मीनिंग इज उनके अंदर इफेक्ट उनके आदात पे उनके हर चीज पे इफेक्ट आना चाहिए उनके एटीट्यूड पे उनके बिहेवियर पे क्योंकि अल्लाह तूर्य अनकबूत में कहते हैं सूर्य नंबर

इसका मतलब यह है कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हम ईवल से नहीं बच रहे हैं हम फुहाशी से नहीं बच रहे हैं हम इन डिसेंसी से नहीं बच रहे हैं हम ईवल डीड्स करें शेमफुल एक्ट करें उसका मतलब हमने नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ी ये अपने आप को आप खुद देख लें मैं भी देखूँ आप भी देखें और सब लोग देख लें कि हम नमाज को अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो इट शुड बी प्रॉपर नमाज फिर दूसरी बात अल्लाह ने कह दे पे ज़क़त जब वो जकवात देते हैं तो एक तो होता है जक़त देना ओहो हो देना है इतने पैसे देने हैं अब क्या करें मतलब कि हेजिटेंट हैं परेशान हैं क्या यहाँ से हम थोड़ा सा बचा सकते हैं वहाँ से बचा सकते हैं क्या इस पे जक़वात है क्या उस पे ज़क़ात है दस हज़ार हमारे क्वेश्चन हमारे बहाने होते हैं लेकिन जिन्होंने ज़क़त देनी है जिनको अल्लाह लव कर रहा है वो इसको ये नहीं समझ के दे रहे कि ये टैक्स है ये टैक्स नहीं है इट इज़ एन एक्ट ऑफ वर्शिप इट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल वर्शिप फाइनेंशियल वर्शिप है ये अल्लाह ताला ने रखा है साल में एक दफा रखा हुआ है और इसको वो फुलफिल अच्छी तरह करते हैं विलिंगली करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के हुक्म की तामील करने के लिए उस पर अमल करने के लिए इन ओबीडियंस टू अल्लाह ठीक है ना तो इससे पता चलता है कि इस्लाम जो है वो बहुत सारी ऑब्जेक्टिव जो है वो एक ही ड्यूटी से आप जकत देंगे उसमें बहुत सारी आपकी पूरी हो जाती है। ये जो मैन मेड इसमें एक गोल है टैक्स लेना है टैक्स लेना खत्म तो पेमेंट ऑफ जक़ात जो है वो हम कंफर्म करते हैं कि ये जो रिस्क है ये हमें अल्लाह ने दिया है और अल्लाह जो है वो ही अथॉरिटी है और वही है जिसके वजह से जिसने हमें कहा है कि इसमें से दो आपने ढाई परसेंट देना ही देना है तो हम लव से देंगे एक्सेप्ट करके देंगे एक्नॉलेज करके देंगे क्योंकि हम ये मानते हैं हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला जो है उसी की अथॉरिटी है किसी और के डर से नहीं करेंगे और शो ऑफ भी नहीं करेंगे जकत देने में और, और नेक्स्ट क्वालिटी तीसरी कहती है और वो दे वर्शिप इस तरह से जब एक अरबिक में जब ये ओरिजिनल अरबिक बहुमरा क्या इसका मतलब ये है कि बाइंग डाउन इन वर्शिप जो है यानी रुकू करना उनका नॉर्मल कंडीशन है एक एसेंशियल कंडीशन है वो अल्लाह के आगे झुके हुए हैं आप ये समझ लेंगे बाउंग डाउन यानी वो अल्लाह के आगे झुके अब इसका ये मतलब ये सारा वक्त हम रुकू में रहे इसका मतलब ये कि हर वक्त अल्लाह की सबमिशन में हम हर वक्त अल्लाह के आगे देखिए अल्लाह ने ऑलरेडी अल्ला अल्ला कह दिया ना सला तो सला तो हो गया फिर ये उन क्यों आया है राके ऊन का ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव उसका एक एक डेफिनेशन है कि हम बस सिर्फ सजदे और रुकू और क्याम और ये सब हमारी नमाज जो है सिर्फ उस हद तक नहीं है कि हम पांच नमाजें पढ़ लें या तोद भी पढ़ लें या तरावी भी पढ़ लें इसका मतलब ये कि 24 घंटे 24/7 हम जो है अल्लाह के आगे झुके हुए हैं ब्यूटीफुल ब्यूटिफुल बहुम यानी ये सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है सबसे ज्यादा कि हम अल्लाह के आगे झुके हुए नमाज दे रहे हैं जका, जकत कर नमाज पढ़ रहे हैं जकत दे रहे हैं यानी कि इतना क्लियरली नजर आ रहा है कि जो है वो वो सबसे ज्यादा वो हम्बल है मतलब कि जो रुकू में रहते हैं उसका मतलब ये कि जो हम्बल है जो झुके हुए हैं दे हैव द राइट एटीट्यूड और यही अल्लाह तला हमें कह रहे हैं एग्जैक्टली वट इज मैं इस्लाम टोटल सबमिशन टोटल सबमिशन बस सरे तस्लिम हम करना है जो अल्लाह तला कह रहे हैं कुछ मुफसरीन ये भी कहते हैं इसका मतलब ये राके। उनका मतलब ये है कि जमात में नमाज पढ़ना मतलब ये एक एक इट इशारा कर रही है कि नमाज पढ़ो और जमात से पढ़ो जमात में पढ़ो आ, एक और कर लेते हैं हो गया। अभी थोड़ा सा टाइम है एक और कर लेते हैं

किसको अपना सपोर्टर बनाओ ये इस पिछली आयत में था अब अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि अब जो कोई भी मतलब इसमें शर्त है कि जो कोई भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को और मोमिनों को अपना सपोर्ट बनाएगा और जो वली बनाएगा अल्लाह और उसके रसूल को और उन लोगों को जो ईमान लाए तो फिर उसके लिए अल्लाह कह रहे हैं फ इलाड ये उसका जवाब आ गया जब शर्त दे आर वॉट देर हिस्सा

सपोर्ट फ्रॉम हमने पढ़ा था और जो मुसलमान जो उसके को भी और सपोर्ट उसमें बिलीव करेगा और जो मुसलमानों के साथ अपने क्लोज टाइज रखेगा और एक और इसमें ऐड करें आप जो मुसलमानों के अलावा यानी डिसबिलीवर्स को अपने अलाइज नहीं लेगा क्योंकि हमने उससे पिछली आयत में पढ़ा था लात तखिजू

हिजबुल का हम नहीं कह रहे हैं इस हिजबुल्ला के हम सब अल्लाह की जमात में से अल्लाह के गरोज में से और अल्लाह की पार्टी में से होंगे क्योंकि होना चाहते हैं क्योंकि अल्लाह क्या प्रोमिस कर रहे हैं अल्लाह प्रामिस कर रहे हैं गालिबुल दे विल बी विक्टोरियस अल्लाह तामिस कर रहे हैं है और ये अश्योरेंस कब आ रही है विक्ट्री की ओनली जब अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वी फुलफिल ऑल दब कंडीशन ठीक है, अल्लाह से सपोर्ट मैसेंजर का मानना उससे उसको सपोर्ट मानना बिलीवर्स को सपोर्ट uh, लेना दिस बिलीवर्स के साथ नई करना, ये सब चीजें अगर पूरी होंगी तो अल्लाह कहते हैं आप अल्लाह की पार्टी में से हो बेशक आप अल्लाह की पार्टी में से हो और जब आप अल्लाह की पार्टी में से हो गए तो अल्लाह ताला हमको विक्टोरियस करेगा इन फतेह नसीब करेगा कोई सवाल तो प्लीज यहाँ रुकते हैं एनी क्वेश्चन

उसको हाँ देखो ना डिजीज ऑफ एक्स क्योंकि हम लोग अपने मेडिकल टर्म्स में तो उसको डिजीज नहीं बोलेंगे ना मेडिकल टर्म्स में तो इट इसल ता उसको डिजीज बोला है अच्छा एनी अदर क्वेश्चन प्लीज ना ही जी वो इसमें है ना मिन इंदे ही व यूस बेहु अलामा तरुफी अनफसेहम ना दे तो एक तो फा वो फायोसी बहु का क्या होगा यस दे विल दे विल बिकम दे विल गेट जैसे हम लोग नहीं बोलते हम जब उठते हैं तो दे विल बिकम ना दे यूस बेहु बिकम जब वो, जब वो मुसलमानों को फते नसीब हो गई और इन लोगों ने अपने लिए एक नया ये बना दिया खाम खासबिली का साइड लेके और करके तो ये मुनाफिक जो है फिर ये लोग जब आ, बन जाएंगे क्या बन जाएंगे ये लोग रिग्रेटफुल हो जाएंगे देग्रेटफुल हाँ और कोई सवाल नहीं है कोई भी सवाल अनफरसम इनसेल्वर क्या use होता है ना कि अपने अंदर उर्दू में हम कहते हैं अपने दिलों में छुपा रखा है अपनी जात छुपाना तो हम नहीं कहते हैं अपने दिलों में छुपा रखे हालांकि वो कुलूब का लफ्स नहीं है, उन्होंने अपने आप में छुपा के रखा है the, yeah, ना कुरान के बाद दफा कि हम लोग को हर लफ्ज का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है कभी कभी बिल यूज होता है जबकि वो बी का लफ्स जो है वहां पर लगता है कि रिक्वायर्ड ही नहीं है और जो लफ्ज नहीं होता है उसको ऐड करना पड़ता है वो भी होते जैसे इज है आर है ये सब चीजें हम ऐड करते हैं ना वहां पर लिखा नहीं, नहीं होता ना तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं बट दे दे विल बी रिग्रेटफुल फॉर व्हाट वर हाइडिंग अच्छा जो चीज वो छुपा रहे थे क्या छुपा रहे थे इसी को छुपा रहे थे ना कि वो मुसलमान नहीं थे लेकिन प्रिटेंड कर रहे थे मुसलमान तो वो जो प्रिटेंस की बीमारी है वो जो प्रिटेंड कर रहे थे उसकी वजह से प्रिटेंस क्या है प्रिटेंस झूठ है ना यू आर आपके दिल में कुछ है और मुंह पे कुछ है तो ये तो नहीं करना चाहिए ना तो वो जब करते हैं अब देखिए हिपोक्रेसी भी मैंने आपको बताई मुनाफिकत भी दो किस्म की है एक वो मुनाफिकत थी जो पहले थी जो उस जमाने में थी क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता था कि हम किसका साइड लें हम लोग अगर इस तरफ जाएंगे और वो जीत गए तो क्या होगा तो वो छुपा छुपा के रखते थे वो दैट वॉज द हिपोक्रेसी ऑफ फेथ फेथ का मतलब अपने ईमान की हिपोक्रेसी थी वो मुनाफिक थे अपने ईमान में वो अंदर से मुसलमान नहीं थे प्रिटेंट करते थे मुसलमान होने के लिए क्योंकि मुसलमान बढ़ रहे थे मुसलमानों का जोर बढ़ रहा था लेकिन अब जो है अब तो वो नहीं है ना अब तो किसी को डर के मुसलमान होने की जरूरत नहीं है किसी को ये खौफ नहीं है कि हम मुसलमान नहीं होंगे तो हमारे साथ क्या होगा अब क्या है हमारी हिपोक्रेसी ऑफ हमारी एक्शन आ गई है और हिपोक्रेसी ऑफ़ एक्शन में कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि चार किस्म के लोग होते हैं जो कि हिपोक्रेसी करते हैं एक मतलब जो झूठ जो बोलता है बात करता है वो झूठ बोलता है जो किसी को अमानत दो तो अमानत में खयानत करता, करता है जो बात करता है वो अब्यूज लैंग्वेज अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है और चौथा क्या है पता नहीं बस ये जो वादा करता है वो पूरा नहीं करता है तो ये चार क्वालिटीज अगर हमारे में है तो समझ लो कि हम हिपोक्रेसी कर रहे हैं हम वादा कर रहे हैं मैं आपसे बोलूंगी नाहिद मैं आऊंगी फल आपके घर आऊंगी मैं इतने बजे आऊंगी और फिर उसके बाद में तो ये एक ये वो वाले हिपोक्रेट्स नहीं है जो कि फेथ के हैं ये मेरी एक्शन में हिपोक्रेसी मैं बोल कुछ रही और कर कुछ रही हूँ आगे समझ जी थैंक यूकम और कोई सवाल नहीं है तो लेट्स एंड इंशाल्लाह सी यू ट्यूसडे سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله <سؤال> الا <سؤال> انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير 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 جزاك الله الله خير الله